हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्षितिज करियर। सो टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझको पूछा था एक क्वेश्चन, इज बैंकिंग जॉब स्ट्रेसफुल, क्या बैंक का जॉब स्ट्रेसफुल है। देखिए, हर सिक्के के दो साइड होते हैं, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर भी दो तरीके से दे सकते हैं, एक है यस और दूसरा है नो। तो आप एक बात, आपको भी यह समझना जरूरी है कि ये पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा कोई भी जॉब नहीं है कि जो स्ट्रेसफुल नहीं है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, वो अपने जॉब के बारे में आपको यही चीज कहेगा कि हिज और हर जॉब इज वेरी स्ट्रेसफुल। तो मेरे चैनल के व्यूवर्स ज्यादातर बैंकिंग एस्पायरेंट है, तो मैं बैंक के जॉब के बारे में बात करूंगा, और क्योंकि मैं खुद एक पब्लिक सेक्टर बैंक का एम्प्लॉई हूँ, तो लेट अस डिस्कस हाउ बैंकिंग जॉब इज स्ट्रेसफुल एंड हाउ इट इज नॉट स्ट्रेसफुल। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि बैंकिंग जॉब स्ट्रेसफुल कैसा है। सबसे पहले पहला जो रीजन है वो है लिमिटेड मैन पावर। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हमेशा लिमिटेड मैन पावर पे काम करना पड़ता है। आप किसी भी बैंक के सिचुएशन देख लीजिए, वहां जरूरत से कम स्टाफ आपको मिलेगा। कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन भी है कि एक आदमी को दो ब्रांचेस में काम करना पड़ रहा है। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन की बात करेंगे तो बहुत सारे काम बैंकर को करने पड़ते हैं। सबसे पहले है कि लोन बांटना, दूसरा है लोन रिकवर करना, तीसरा है पब्लिक वेलफेयर जो स्कीम है वो लोगों तक पहुंचाना, चौथा है बैंकर टू गवर्नमेंट एजेंसीज, सेम वे बैंकर टू प्राइवेट एजेंसीज, उनके सैलरी अकाउंट है, उनके ट्रांजेक्शन है, वो गवर्न करना, लोक अदालत। लोक अदालत बेसिकली वो होते हैं कि जिसमें एनपीए का सेटलमेंट किया जाता है, जो बहुत सालों से एनपीए लोन से उनका सेटलमेंट लोक अदालत में किया जाता है। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ वर्क है, वैसे बहुत सारे लिस्ट ऑफ वर्क है बैंकर को जो करनी पड़ती है। अब दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं कि व्हाई इट इज नॉट स्ट्रेसफुल। ये टॉपिक को समझने के लिए आप एक एस्पायरेंट के एंगल से इस टॉपिक को देखेंगे, बैंकिंग एस्पायरेंट के एंगल से। बैंक में आना ये आपका चॉइस है, फॉर दैट मैटर एनी जॉब ले लीजिए, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको वो ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद वहां के जो सिचुएशन है उसमें खुद को ढालना पड़ेगा। वर्क एनवायरमेंट कैसा भी हो, आपको आपकी प्रतिभा दिखानी पड़ेगी, आपको वहां पे आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये सब स्ट्रगल करते समय स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट होना एक आम बात है, बट आप उस जॉब को किस तरीके से लेते हो उस पर ये बहुत डिपेंड करता है। वो जो बोलते हैं ना कि जो एक पानी का ग्लास है वो आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, ये देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से बैंक जॉब स्ट्रेसफुल है या नहीं है, वो आप कैसे उसको परस्यू करते हैं या फिर आप कैसे काम करते हैं बैंक में जाके, उस पे डिपेंड है। तो मैंने कहा कि चॉइस आपका खुद का चॉइस है कि आप बैंक ज्वाइन कर रहे हैं, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में अभी से सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये स्ट्रेसफुल है नहीं है, आपका दोस्त बोल रहा है ये स्ट्रेसफुल है, दैट्स व्हाई इट्स स्ट्रेसफुल, ये सब के बारे में चिंता करने की इस वक्त बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आप बैंक में जाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा, और आपको लगता है कि बैंक जॉब स्ट्रेसफुल है और फिर भी आप जाना चाहते हैं, तो इट इज रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम करना एक इम्पॉसिबल बन जाता है कुछ समय के बाद। तो यदि आपको पहले से आपने ये धारणा बना ली है कि बैंक जॉब इज स्ट्रेसफुल, तो आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, या फिर आप इसको करियर बनाना चाहते हैं तो इसके बारे में हमेशा पॉजिटिव ही आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जॉब सिक्योरिटी, इस जॉब में बहुत सी जॉब सिक्योरिटी है, वो अन्य किसी जॉब में नहीं मिलेगी। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी, आपके लाइफ में आएगी, वो भी अन्य किसी दूसरे जॉब में नहीं है। तो ये पॉजिटिव चीजों का यदि हम विचार करें तो स्ट्रेस है वो बिल्कुल निग्लिजिबल है।
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत देर तक काम करना पड़ता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट हमेशा नहीं करना पड़ता है। कभी कभार ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि आपको ब्रांच में लेट नाइट तक काम करना पड़ सकता है। तो ये बहुत दो इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी जितनी बैंक के जॉब में है वैसे अन्य किसी और जॉब में आपको शायद देखने को मिलेगी। तो दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दूसरी बात है कि यू आर रीजन फॉर समवन्स हैप्पीनेस। बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे कि बैंक में रह के दूसरे के हैप्पीनेस में हम कैसे ये अपना हम दूसरे दूसरे के हैप्पीनेस के लिए हम कैसे कारण रहेंगे। मैं खुद का एक्सपीरियंस के से आपको बता देता हूँ कि लोन चाहे 15,000 का हो या फिर 15 लाख का हो, दोनों सिचुएशन में आप एक नीडी को मदद करते हो जिसको उस पैसे की बहुत जरूरत है। 15,000 का लोन आप जिसको भी सैंक्शन करोगे उसके लिए वो 15 लाख के समान है और इसके लिए भी उतना ही है। तो आप बोरोवर को उसके जरूरत के समय आप हेल्प करते हो, उससे वो अपना बिजनेस है वो आगे बढ़ाता है, उससे उसकी जो कमाई में बढ़ोतरी होती है, उससे जो सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उससे आपको काम करने की प्रेरणा और भी मिलेगी, वो आगे जाके मार्केट में 10 और लोगों को बताएगा कि एक्स वाई जेड बैंक में मेरा लोन तुरंत सैंक्शन हुआ, उन्होंने मुझे हर स्टेप पे गाइड किया, इसके वजह से आज मेरी जो ग्रोथ है वो हो रही है। ऐसे जब आपको फीडबैक्स मिलेंगे तो आपका काम करने का उत्साह है वो दुगना हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको काम करते समय स्ट्रेस नहीं फील होगा बल्कि आप ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। इसी के विपरीत सिचुएशन की बात करें, यदि आपके पास कोई एक कस्टमर आया, बोरोवर आया, आपसे वो लोन की डिमांड कर रहा है, आपको पहले से बैंक जॉब स्ट्रेसफुल लग रहा है, आप उसको बोलेंगे कि कल आ जाइए, वो कल आ जाएगा, फिर भी आपको उसका काम करने में आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो आपको वो फिर आप उसको बोलेंगे कि आप कल आ जाओ। ऐसे करके आप अपना जो काम है वो टालते रहोगे, यानी अपना काम है आज का काम कल पे टालते रहोगे। कुछ समय बाद वो जो बोरोवर है वो सोचेगा कि ये बैंक में काम नहीं हो रहा, वो आपको कुछ बोलेगा क्योंकि वो खुद परेशान रहता है। इस सिचुएशन में आपका जो स्ट्रेस है और जो एंगर है वो अपने आप बढ़ेगा और आप कहोगे कि बैंक जॉब इज वेरी स्ट्रेसफुल। देखिए इसका रूट कहाँ पे है, इसका रूट यहाँ पे है कि आपको पहले से ही ये जॉब है वो पूरा स्ट्रेसफुल लग रहा था, काम करने में आपको पहले से रुचि नहीं थी, आपको लगता था कि पहले मैं बैंक ज्वाइन करूंगा उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा या फिर उसके बाद मैं अन्य किसी एसएससी की तैयारी करूंगा और उसके बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाला दूसरा जॉब देख लूंगा। तो आपका बैंक में मन नहीं लग रहा है, इस वजह से आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और ऐसे ही जो लोग हैं जो बैंक में अन्य किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं वही आपको बताते हैं कि बैंक जॉब इज स्ट्रेसफुल। तो ये कुछ चीजें मैंने एक्सप्लेन की। इस वीडियो को मैं बहुत ही छोटा रखना चाहता हूँ, ज्यादा इस विषय में बोलना सही भी नहीं है क्योंकि इस पर डिफरेंट डिफरेंट व्यूज आएंगे। मुझे पता है बहुत सारे एस्पायरेंट है या फिर जो ऑलरेडी बैंक में सर्विस कर रहे हैं वो एडवर्स कमेंट भी करेंगे, इसलिए इस विषय पे ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। बट मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, योर प्रेजेंट वांट और नीड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपकी जो प्रेजेंट वांट है, प्रेजेंट नीड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है टू गेट डिसेंट जॉब। और आप मेरे चैनल पे हैं इसका मतलब आप एक बैंकिंग एस्पायरेंट है। तो मैं आप सभी के लिए यही कहना चाहता हूं
कि निगेटिविटी से बाहर आ जाइए, बैंक जॉब इज वेरी एंजॉयबल जॉब, स्ट्रेस फ्री जॉब इफ यू थिंक इन पॉजिटिव वे। ये बहुत ही एंजॉयबल जॉब है, बहुत ही पॉजिटिव एक चेंज आप सोसाइटी में ला सकते हो, अच्छे बोरोवर्स को सिलेक्ट करके उनको फाइनेंस करके उनकी ग्रोथ का एक हिस्सा भी बन सकते हो, उनकी खुशी का हिस्सा भी आप बन सकते हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रेसफुल जॉब है, ये आपको एक स्टेटस भी देता है, ये आपको स्टेबिलिटी भी देता है, ये आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ भी करता है। तो ये बहुत ही बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना बहुत ही सेफ है और अच्छा है, ना कि स्ट्रेसफुल है। जो मैंने भी पहले मैं यूपी में था, अब मेरा पोस्टिंग कर्नाटक में है, दोनों स्टेट में मैंने काम किया है। यूपी में जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ पे हमारी बैंक लीड बैंक थी, यहाँ पे हमारी बैंक लीड बैंक नहीं है। जहाँ पे लीड बैंक रहती है वहाँ काम का प्रेशर ज्यादा रहता है। किसी ने मुझको पहले से कहा था कि स्ट्रेसफुल है, तो मुझे भी यही लगने लगा था कि स्ट्रेसफुल है। बट जैसे जैसे बैंकिंग करियर में आगे बढ़ने लगा तो मुझे इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें लगी। मैं खुद दूसरे के उन्नति में तरीके में कैटलिस्ट बन रहा था, उनको सही समय पर फाइनेंस करता था, उनकी जरूरतें पूरी करता था एज अ बैंकर, और उनके ग्रोथ में एक मेरा कंट्रीब्यूशन था, इससे भी मुझको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था। तो ऐसे सोचेंगे तो आप एक सक्सेसफुल बैंकर भी बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये टॉपिक आपको कैसा लगा इनको जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।